हाउ आर यू एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आई एम कम्प्लीटली स्टफ्ड क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारा वेट रिस्ट्रिक्शंस होता है। अभी जा रहे बोकारो से रांची के लिए, वहाँ थोड़ा इमोशनल मोमेंट चल रहा था। आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड बाकी फोटोज में शेयर करूँगा 100% एंड आई विल शो यू दिस जर्नी। दिस ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एयरपोर्ट का। नारियल का क्या पता चला? इतना इतना नारियल हम लोग लाइफ में नहीं खाए होंगे। एक्चुअली उन्होंने मना किया और हम लोग ने सोचा फेंकना तो नहीं है तो खा ही जाते हैं। अभी अकेले ट्रैवल कर लेंगे आप तो कॉन्फिडेंस है, मजा आ रहा है। डर लग रहा मम्मी? नहीं डर तो नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा है मेरी माँ। मम्मी कवर करना चाह रही फेस को। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे। फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना स्पेशल रहता है एंड फॉर दैट आई एम आल्सो पोस्टिंग अ वीडियो। मे बी आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, टाइमलाइन तो पता नहीं है, सो यू गाइस कैन शेयर देम। और अच्छे से पेशेंटली समझाओ तो समझ में आता है। क्या मम्मी समझ में आ गया? ₹50 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के। अकेले ट्रैवल कर लेंगे ना, वो भी हाथ थोड़ा सा है। हाँ एंड ट्रैवल लाइट तो आसान रहेगा, हमारे जैसा नहीं कि इतना सारा सामान है बिल्कुल, तो दिक्कत होगा ऑब्वियसली। बाप रे पिंपल्स देख रहे मम्मी, मिस कर रहे क्या मम्मी? डैडी के साथ आते तो और मज़ा आता, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। और मोस्टली आप प्लेन पे बैठ करके तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ लगा मम्मी अलग? कुछ अलग लगा? कुछ दिक्कत फील हुआ? नहीं नहीं तो नहीं। पेरेंट्स डरो मत, मम्मी को तो नहीं दिक्कत हो रहा, तो आपको भी नहीं होगा राइट? माशाल्लाह ठीक है, सब ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि प्लेन लेट हो रहा है और मम्मी के साथ जा रहे तभी हो रहा है। बोर्डिंग चालू हो गया? नहीं नहीं बहुत जगह, मतलब चेकिंग में छोटा बैग ट्रॉली ट्रे में हुआ। ट्रॉली तो कब का चला गया? मम्मी फैमिली के सुपरस्टार है समझे। मम्मी चलिए सब खाला में के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमें रिकॉर्ड नहीं करने देते। बस थोड़ा एयरपेट का नजारा दिखा दो। अंदर का अंदर है ना, इसके पीछे है अब हमने देख रहा है। ये एयर इंडिया का है हां, देखे है ना प्लेन दिखा दे ना, क्या भी छोड़ दिया ना। हां दिखा, देखते रहिए मम्मी। मम्मी 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 चुप, बिल्कुल क्या बताएंगे मम्मी? बिजी मामू मम्मी नहीं लग रहा, स्पीड काफी हो गया। अब देखिए ले जाते जी, सही लग रहा है। देखो माशाल्लाह भी देखो लग रहा है, बाहर दिखते रहिए अभी उड़ेगा। ये रंग जो है ऊपर जमीन के नीचे स्टार्ट हवा में। अब हम लोग चलिए चलिए, अभी आवाज आएगा ढक से।
घर दिख रहा है ना अब? आ गया वापस चक्कर पे। सो वी जस्ट लैंडेड और मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी तबीयत कैसा लग रहा? इतना भी प्लीजिंग एक्सपीरियंस मिला थोड़ा ना? मिला तो नहीं है। चलिए घर चलिए, अब बेटी तो नहीं होगी घर पे। चप्पल टिक कीजिए। मम्मी न्यूज़ है, कशिश है बाहर वहीं बेल्ट नंबर 2 में। ओ माँ बेटी मिल गई। चलो एक अच्छा काम हो गया क्योंकि उसका फ्लाइट था सुबह 3 बजे तक। लास्ट टाइम ट्रेन ही है अभी। नहीं नहीं ऐसे ही बेल्ट बना रहे हैं अभी क्रू। हाँ उधर थोड़ा जाएगा तो देखिए हाँ। सो वी आर फाइनली होम और अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बच रहा है इस ब्लॉग को और कुछ एक्सटेंड करने का। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मम्मी का भी थोड़ा तबीयत डिजी सा फील हो रहा है तो इट्स बेटर कि हम लोग चेंज वेंज करके खा के सोएंगे अब बस। और कशिश कल आएगी मोस्टली तो हम लोग मिल लिया अच्छा हुआ चेन्नई एयरपोर्ट पर। तो बस एंड करते उस ब्लॉग को ऐसे इसी तरीके से। व्हेन यू गो आउट विद योर पेरेंट तो बी मोर पेशेंट, इतना बी मोर पेशेंट एंड आराम से बात करना। आई लूज़ माई पेशेंस इन बिटवीन और आप मत करना ये चीज़ बिकॉज दे आर पेरेंट, दे आर क्यूरियस एंड बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट के साथ मेक देम ट्रैवल ऑल दिस प्लेसेस। चलो टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।